अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्यू कुछ, आज का सीन कुछ ऐसा है कि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा। आज समझ लें, कल लग रहा था कि गर्मियाँ आ जानी है, अब धूप निकलना स्टार्ट हो जानी है, मौसम चेंज हो जाना है। इतनी कड़क की और इतनी गर्मियों वाली धूप निकली हुई थी कल कि मैंने ये सारा काम कर लिया था, वरना इतनी ठंड में बैठ के ये काम करना बहुत मुश्किल है। ये आप देख लें, अभी भी वैसी हैं जैसी अभी बनाई हैं, क्योंकि धूप वगैरह तो आज निकली नहीं है और कोहरा जैसे बर्फ़ बस पड़ने वाली रह गई है, इतनी ठंड है छत पर। व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर फिजान आ गया, मैंने कहा इसे थोड़ा सा गाइड करके आती हूँ, चलो फिर व्लॉग भी बना लेंगे साथ, बेशक छोटा मोटा ही बनाए। ये टैक्सी अभी बनाने वाला पड़ा है, ये फिजान बना रहा है। मैंने इसे कहा है कि बॉल्स बनाने की ट्राई करें। ये देखिए बड़ी प्यारी गोल मोल सी। हाँ, ये ज़्यादा हार्ड ना हो जाए अब, क्योंकि मैंने इसको कहा कि पानी थोड़ा ज़्यादा रखोगे ना, ये फर्स्ट टाइम बॉल्स बना रहा है, तो फिर बनानी आसान हो जाएंगी, वरना तो बनाते बनाते ही टूट जाती हैं। वो वाली मैनेज करना इसे थोड़ी मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टेक्सचर है, लेकिन इसमें मैंने कहा पानी ज़्यादा रखना तो नहीं टूटेंगी, आसानी से बन जाएंगी। लेकिन अगर ये हार्ड हो गया तो कोई मसला नहीं, मैं इसकी स्मैशिंग कर लूँगी। फिजान, ये मैं तुम्हारा ये लेके आई हूँ, इससे उखाड़ लो। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है, एक ही बना लेना वरना ये ना ठंड लगा लो। इसके अलावा फिजाने एक ये टेक्सचर बनाया, ये बनाया, ये बनाया। बच्चा आना शुरू हो गया दोबारा से, क्योंकि मैंने इसकी ना थोड़ी बहुत क्लास ली थी, मैंने कहा यार आ जाया करो इतनी छुट्टियों के बाद। अच्छा, ये कल इसने टेक्सचर बनाया ना, ये पहले मेरा ख्याल इसने ये शेप ट्राई की, नहीं अच्छी लगी इसको, फिर ये की, ये भी नहीं अच्छी लगी इसको, फिर ये की, फिर इसने बॉल्स भी ट्राई की मेरा ख्याल है मेरी देखने के बाद, और फिर इसने एट द एंड इसने कहा चलो बड़ी शेप बनाते हैं, काम करते हैं। ये वाली शेप बना के चला गया। आज बहुत ठंड है, ये दोनों टेक्सचर्स तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे कि हो जाए। खैर, मुझे मेरी नज़र उस पर है कि मैं उसको क्रम्बल करूँ, लेकिन मुझे बैठने के लिए चाहिए। अच्छा, ये इसने इससे बनाई होगी ये वाली गोल शेप, वाह कलाकार है बच्चा, टैलेंटेड है। आउच, वो देखो इतनी अच्छी बॉल बना रहा है। इजी भी ऊपर आ चुकी हैं, मैंने कहा मैं व्लॉग बना कर आती हूँ। मम्मा को चाय दे आई हो? नहीं, मैंने कहा ज़्यादा पानी रख लो, अगर हार्ड होगी तो स्मैशिंग कर लेंगे, वरना ये बनानी मुश्किल हो जानी थी इसके लिए। बहुत बर्फ़ पड़ रही है और ये बेचारा बच्चा काम कर रहा है। इजी गिनना इसने कितने टेक्सचर बना लिए हैं, एक दो तीन, तीन बनाए हैं, बाकियों की तो हो गई थी पेमेंट, की चौथी बना रहा है, वो तो सारा मैंने ही बनाया था। अभी मैंने कहा इस शेप की क्रम्बलिंग करते हैं, ये पुराने ही बने हुए हैं, इनकी पेमेंट क्लियर है। मेरी बात सुनो, ये वाला टेक्सचर जो है ना, मुझे लगता है ये वाला इसका पार्ट है, देखना ये ग्रेनी है कि प्योर है, ग्रेनी ये है। इसको थोड़ा सा उधर कर दो, इसकी बॉल्स बनाने इजी उनके ऊपर पाँव रखने लगी थी, लेकिन इजी कह रही है कि कल लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया है, मेरा व्लॉग पसंद करने का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट्स थे पढ़ के दिल बाग बाग हो गया, ये मैं उनकी बात रिपीट कर रही हूँ। अरे हरे, मैं मेरी बात ही बुला दी, ये शेप पकड़ाना। इजी का पाँव आने लगा था इसके ऊपर, मैंने कहा ना भी ना पाँव ना आए। अब मैं फिजान को कहती हूँ कि ये जो इतना टेक्सचर है इसकी भी बॉल्स बना दे उसके बाद, और इसकी भी बॉल्स बना दे, ताकि व्लॉग में क्रम्बल हो जाएंगी, नहीं तो फिर वीडियो में इंशाल्लाह। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कब वो वाली बॉल्स ड्राई हों और मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ये जितने भी टेक्सचर की बॉल बनाएगा ना, वो मैंने वीडियोज़ बनानी है। कल अंशु इस मार कह रही थी कि आपकी जो एक लेफ्ट ओवर शेप है ना रेड ग्रेनी टेक्सचर की, आप उसको क्रम्बल कीजिएगा प्लीज़, बॉल्स को व्लॉग में क्रम्बल नहीं कीजिएगा, शायद उनको बॉल्स की प्रॉपर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह ताला, क्या कह रही हो जी? ये कल बनाई है उसने अभी, और नहीं धूप निकलना स्टार्ट हो गए, ये पलटा दो ना बैठ के, इतनी भी नहीं बात, ये मैंने इतनी ज़ोर की शेप मारी है कि सारी
वैसे ही क्रम्बल हो गई है, बहुत बर्फ पड़ी। मुझे तो फिजान पे तरस आ रहा है कसम से। मैंने कल धूप में बैठ के शेप्स बनाई थी ना, धूप में काम करना आसान है, और इस ठंड में मैंने से ये कहा है बस वो बना रहे, और ये जो थोड़े थोड़े ये बच्चे हैं। सो मैंने वीडियो बंद की और मैंने कुछ डिस्कशन की इजी से, अब दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा ना आज एनर्जी बहुत डाउन है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन। अस्तग़फिरुल्लाह, क्रम्बल करने को आज कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है आज का व्लॉग इतना ही बहुत है, कुछ ना जाने से कुछ जाना बेहतर है। बोरिंग। अच्छा कल एक कमेंट था। अच्छा जी, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपनी कम्युनिटी में कि किसी को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, 20,000 PKR चाहिए, तो आप लोग अगर डोनेट कर सकते हैं तो आप करें। वो मैंने पोस्ट देखी थी ASMR हब की लगी हुई, ठीक है। मुझे उनका उनकी कोशिश अच्छी लगी, पसंद आई, तो मैंने फर्स्ट जो था ना पहले ख़ुद अमल किया, उसके बाद पोस्ट शेयर की, ठीक है। मैंने कहा चले हो सकता है मेरे थ्रू कोई आए तो थोड़ा बहुत सवाब हमें भी मिल जाए, हम भी इस कार्य खैर का हिस्सा बन जाएं। मैंने अपनी कम्युनिटी पे लगा दी। अच्छा, लोग इतना जहर उगलते हैं उस पर भी इजी नेगेटिव कमेंट। अस्तग़फिरुल्लाह के भाई, वॉशिंग मशीन एक बुनियादी ज़रूरत नहीं है, कपड़ा रोटी बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, आप जिसने कमेंट किया है, दिल तो करा उसका कमेंट यहाँ पे मेंशन करूँ कि आप सिर्फ कपड़ा रोटी पे जिंदा, और ज़रूरत ज़िंदगी की कोई सहूलत आपको अवेलेबल नहीं है। मतलब यार जहर उगलना है, बस किसी मिनी को पैसे ना सेंड करना, अल्लाह माफ़ करे। मतलब यार जिसने यानी कि नेगेटिव बोलना है उसने बोल के रहना है, आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो। और कितनी आसानी से उन्होंने ये बात कह दी कि ये कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी कोई रिश्तेदार होंगी। वाह भाई, मतलब ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है। आप कपड़ा रोटी लेके खुश हो जाते हो और बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए होता ज़िंदगी में। हर बंदा चाहता है कि उसे सहूलत मुहैया हो। कोई लाख कमा रहा है या कोई हज़ार कमा रहा है, हर किसी का हक है वो अपने लिए जितनी आसानियाँ ख़रीद सकता है ख़रीद ले। और अगर हम किसी की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर के पास कोई रहता है जिसको कपड़े धोने में मुश्किल होती है इतनी ठंड में, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो भी क्या करना गुनाह है। प्लीज़ यार, मतलब मैं ऐसे लोगों को मेंशन भी नहीं करना चाहती थी ये मैं, लेकिन नीचे फिर कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए कि कोई इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है। सो मैंने कहा मैं भी करूँगी इस पे बात, वरना मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती ऐसे लोगों को, ऐसे गंद को, कि जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में। वो तभी बैठे बैठे मुझे याद आ गई, मैंने कहा शायद अकल गैरत आ जाए उसे सुन के अपने बारे में। चले मैं ना, मेरी चाय ठंडी हो गई है। मैंने कहा था फिजान को गाइड करती हूँ, आपको फिजान से मिलाते चलते हैं और फिर चलते हैं नीचे। आज के व्लॉग के लिए सो सॉरी कि कोई क्रम्बलिंग कुछ खास नहीं था, लेकिन कल का व्लॉग 14 मिनट का था, वो ट्रीट ही थी। कभी 14 मिनट तो कभी 5 मिनट, यही है दस्तूर। फिजान वाह क्या पेड़ नीचे, वो फटी रख लिया करो ना। अच्छा ये वाला बनाने के बाद ना, वो जो रेड बचा हुआ है थोड़ा सा, उसकी बॉल्स बना देना और उस वाले की, बस यही बना के जाना, ना ठंड लग जाएगी तुम्हें। ओके चलें जी, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।